ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। यहाँ डिनर में दूषित भोजन की वजह से एक सैकड़ा छात्र छात्राएं बीमार पड़ गए। इसके बाद उन्हें LNIP के अंदर ही उपचार दिया गया, लेकिन जब छात्रों की हालात नियंत्रण से बाहर हुई तो आनन फानन में उन्हें जया रोग्य अस्पताल के नवीन भवन में भर्ती कराया गया। देर रात तक करीब 100 से अधिक छात्र छात्राओं को भर्ती किया जा चुका था। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल कॉलेज मैस में रात के खाने के बाद काफी सारे छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई, लेकिन रात में किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। सुबह होते होते मामला गंभीर हो गया। अभी 9 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि कोई बस LNIP से बच्चों को लेके आई है, जो उल्टी दस्त वगैरह बुखार वगैरह समस्या लेके हमारे पास आए। तो हमारी जो टीम थी, डॉक्टरों की टीम, नर्सिंग स्टाफ की टीम, मैनेजमेंट टीम, सभी एक्टिव हो गई और सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई समय रहते हुए, और सारे बच्चे अभी सेटल्ड हैं। करीबन 100 के लगभग बच्चे आए हुए हैं। ज्यादातर वो बुखार, उल्टी, दस्त, इस तरह की समस्याएं, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। खाने में क्या खाया ये हमें नहीं बता सकते, ये तो डॉक्टर का काम नहीं।